उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात, अरे छोड़िए यार, इसलिए तो हम आए नहीं, उन्होंने उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है, ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं वो तो सही है, वो है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों हम नोटिस नहीं लेते। नहीं अपना समय नहीं, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक है कि आप परिवार बात कर रहे हैं, बस इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन लगा रहे हैं? सूरज चौधरी का आरोप है कि आप परिवार बात कर रहे हैं। छोड़िए, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए इसको, बंद करिए, बंद करिए। बस इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन लगा रहे हैं? सूरज चौधरी का आरोप है कि आप परिवार बात कर रहे हैं। छोड़िए, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए इसको, बंद करिए, बंद करिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात, अरे छोड़िए यार, इसलिए तो हम आए नहीं, छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है, ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं वो तो सही है, वो है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों हम नोटिस नहीं लेते। नहीं अपना समय नहीं, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक, समझ गए? नहीं ठीक है भाई, सूरज चौधरी जैसे साथी आज ऐसे उसमें चुनाव पीक पर है, जोरों पर है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी परिवार में आए थे। हम ये और इनके जितने भी साथी हैं, चाहे हम आए हो चाहे ना आए हो, इनके साथी, इनका परिवार, इनके कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये आए हैं, इनका स्वागत करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं जानता हूं कि आपका स्तर बड़े नेता के रूप में शारीरिक छोटाई जरूर है, लेकिन मन का बहुत बड़ी उठाई है। बिल्कुल, अब हम आपके दिल के उठाई में करते हैं, हमने सड़क लिया, जान लिया, समझ लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर कार्यक्रम इस जिले में लगेगा चुनाव दौरान, तो आपको उसी समय प्रदेश का बहुत बहुत पदाधिकारी बनवाऊंगा और उसी के द्वारा मैं घोषणा हजारों हजार लोगों के बीच में करूंगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक किलोमीटर के कारण चुनाव में समय न दे पाए तो मैं आपको अपील और विश्वास देता हूँ, चुनाव पोल 27 को हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।